अस्सलामुअलैकुम सर जी, कैसे हैं? और ये मन्नत भाई हैं बिहार से, और मेरे पास डेढ़ साल पहले बाइक डिलीवरी में आए थे, ये भी वापस चले गए थे। कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ठीक है ना, इनके बारे में भी, इन्हीं के बारे में जिक्र किया था। और ये जो वापस गए थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, और सच पूछो तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। एक्चुअली ये बाइक डिलीवरी में विजिट वीजे पे आए, और इन्होंने आते ही पूरा पैसा सबमिट कर दिया था टोटल। लेकिन जब इनका डॉक्यूमेंट भेजा गया, ठीक है, तो तलाबाद की तरफ से इनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि लड़के की उम्र कम है, 20 साल है, हमको 21 साल वाला लड़का दो। ये था ना, खाली 21 तुम्हारा एज नहीं हुआ था, उसी की वजह। और आगे आ जाओ। 21 मेरा एज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये गए थे बचपने में यहाँ से, अभी जवान होकर वापस आए। अभी इनका 21 साल पार हो गया ना, वरना वीडियो भी होता है। 21 साल पार हो गया ना, अभी इनका 21 साल पार हो गया है। तो इनका पैसा तो मेरे पास जमा ही था, मैंने इनको खाली 30,000 वापस किया था ना, 30,000 वापस किया था, सारा पेमेंट पड़ा हुआ था उसी तरह। तो फिर ये वाला जब काम आया बाइक डिलीवरी का, तो इन्होंने कहा कि इमरान भाई एम्प्लॉयमेंट वीजे पर डायरेक्ट करा दो। तो इस बार ये एम्प्लॉयमेंट वीजे पर डायरेक्ट आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम्हारी फ्लाइट वाराणसी से? वाराणसी यहाँ पे। हाँ, पिछली बार तो विजिट वीजे पे थे, तो काफ़ी टेंशन था इमिग्रेशन पे? नहीं, टेंशन कुछ नहीं था, सवाल जवाब पूछताछ। इस बारे पूछ रहा था, पिछले बार एक बार जा आ चुके काम करते हैं, पूरे नहीं विजिट पे चले गए थे घूमने, ताजमहल देखने गया था। पहले ताजमहल तो इंडिया में है, यहाँ का, यहाँ तो बुर्ज खलीफा है। अब यहाँ पे और तो कुछ नहीं ना? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है कश्मीरी थे 6 आदमी, ये भी उसी ग्रुप में थे। तो 6 आदमी में से 2 आदमी तो मेरे आ गए मेरे पास, ठीक है। अब बाकी 4 आदमी तो उनका खेल ख़त्म। क्या हुआ था उस वक्त उनका, कश्मीरियों का? वही लोग की वजह से था, मेरा भी प्रॉब्लम हो गया उसी में, ठीक है, प्रॉब्लम उसी में, दिल दिमाग सबका हो गया ख़राब उनके वजह से। अच्छा, उन्होंने पेमेंट मुझे कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? 75 दिया था ना? 75 बस, और कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। क्यों, क्या बोल रहा था वो लोग? बोल रहा था वही, इंडेट आईडी आएगा, लाइसेंस आएगा, तो फिर आज जो मेरे खिलाफ जो वीडियो बना के डाला वो लोग, उसमें कितना बताया था अमाउंट वीडियो में? 2,45,000। वो लोग बोल रहा है कि इमरान 2,45,000 हमसे ले लिया, हम लोग का काम नहीं कराया, हम लोग को रोड पे छोड़ दिया। बात सही कि गलत है? नहीं, ये बात तुम तो थे ना, तब साथी में थे। ठीक है सर जी, ये कुछ चीजें ऐसी होती कि लोगों को पता नहीं होता है, बस जो बना के छोड़ देता है, बस वीडियो बना के डाल दिया, हकीकत किसी को पता। मतलब उन लोग को क्या हो गया था, मतलब 7.5 दे रहे, मतलब किसको जब पे किया था, कहाँ पैसा दिया, पैसा की प्रॉब्लम थी ना। वो लोग कह रहा था कि आईडी आ जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, तब पैसा देंगे। मतलब जो इंडिया से पे किया था 75 बस, उसके बाद वो उतना में काम नहीं हो पा रहा था। जब तक तुम यहाँ आके पूरा पैसा सबमिट नहीं कराओगे, बाइक वाला काम नहीं होगा, समझे। कोई भी अगर आएगा बोलेगा कि हम बाद में देंगे, तो अभी भी हम वही स्टोरी फिर रिपीट करेंगे जो उन लोग के साथ किया था, ठीक है। चलें सर, अब तो कंटिन्यू फ्लाइटें चालू हैं, मुलाकात आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होती रहेगी। अब इनका मेडिकल का भी देखें, सो संडे पड़ रहा है, कोशिश करेंगे, हमको तो नहीं लगता शायद मंडे होगा, ठीक है। चलें, ओके।